सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में लेटर ऑफ क्रेडिट के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको वो पहले एटलीस्ट मैकेनिज्म समझ में आ जाए, उसके बाद ही आपको ये टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट देखने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे जितने भी लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, सारे मेन को हम कवर करेंगे, उनकी वर्किंग भी समझेंगे कि किस तरीके से वो काम करते हैं, किन सिचुएशंस में वो यूज करे जाते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो ये सारे टाइप जितने भी हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के, आपको ये एक ही जगह पे अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए जान लेते हैं कि कितने टाइप के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं और किस तरीके से वो सारे काम करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था कि लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरीके से काम करता है, पेमेंट्स किस तरीके से होती हैं। तो अगर आपने मेरा लेटर ऑफ क्रेडिट वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिटेल में ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आएगा, तभी आप ये सारे लेटर ऑफ क्रेडिट जो हैं वो समझ पाएंगे। तो फिर भी मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो होता क्या है, किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर, मान लीजिए कोई इंपोर्टर है, कोई बायर है जो सामान मंगा रहा है कहीं बाहर से, किसी दूसरी कंट्री से, लेट से इंडिया में कोई आदमी कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीदता है चाइना से, ये वाला एग्जांपल लिया था मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट पे खरीदता है। तो बायर अपने बैंक के पास जाता है, एलसी के लिए रिक्वेस्ट करता है, और उसको हम जो उसका बैंक होता है उसको या तो ओपनिंग बैंक कहते हैं या इशूइंग बैंक कहते हैं, और ओपनिंग बैंक फर्दर एडवाइजिंग बैंक को वो एलसी जो होता है लेटर ऑफ क्रेडिट वो भेज देता है। तो एडवाइजिंग बैंक सारी ऑथेंटिसिटी उसकी चेक करता है, उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट को वो सेलर को भेज देता है। जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट सेलर को मिल जाता है, वो गुड्स को शिप कर देता है बायर के पास, और साथ ही में जो उसको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है वो एक नॉमिनेटेड बैंक को। नॉमिनेटेड बैंक बेसिकली इशूइंग बैंक का एक नॉमिनेटेड बैंक होता है, या फिर नेगोशिएटिंग बैंक कह सकते हैं हम इसको। अब ये नॉमिनेटेड बैंक या एडवाइजिंग बैंक सेम भी हो सकते हैं। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं यहां पे नेगोशिएटिंग बैंक के पास, तो उसको पेमेंट मिल जाती है बेनिफिशियरी को, बेनिफिशियरी मतलब सेलर, और फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये इशूइंग बैंक के पास भेज देता है चेक करने के बाद। बेसिकली नेगोशिएटिंग बैंक इस सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेता है कि एज पर लेटर ऑफ क्रेडिट सारे के सारे शिपमेंट हो गई कि नहीं। तो ये जो बिल ऑफ लेडिंग के अंदर सारे गुड्स की डिटेल्स लिखी जाती हैं, तो उसके हिसाब से ये डॉक्यूमेंट्स भेज देता है ओपनिंग बैंक को, और फिर वो बायर से डॉक्यूमेंट्स चेक कराता है, एक बार अप्रूवल लेने के बाद एप्लीकेंट को पेमेंट रिलीज करने के लिए कहता है इशूइंग बैंक। तो एप्लीकेंट जब पेमेंट रिलीज कर देता है तो ये ओपनिंग बैंक वापस से पेमेंट कर देता है नेगोशिएटिंग बैंक को, राइट? और ये पेमेंट तो पहले ही कर चुका है, बेनिफिशियरी को पहले ही पेमेंट मिल चुकी है यहां पे। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल ऑपरेट होती है। तो इसको हम, ये जो नॉर्मल लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, इसको हम कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ये सबसे कॉमन लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कंडीशंस नहीं लिखी जाती हैं, एक सिंपल सा ट्रेड होता है, और ये जनरली इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस के हिसाब से होता है। इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसके हिसाब से ये होता है, और वो बेसिकली जो गाइडलाइंस हैं उन्हें हम यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स कहते हैं। ये इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के हिसाब से लेटर ऑफ क्रेडिट की कंडीशंस रखी जाती हैं, तो फॉर्मेट वगैरह उसी के हिसाब से बनता है। तो इसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट। अब हम बाकी के लेटर ऑफ क्रेडिट देख लेते हैं। आई थिंक आपको ये पूरा मैकेनिज्म तो थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। अब देखिए, नॉर्मल हमने कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट में देखा कि जब शिपमेंट हो जाएगी तो उसके बाद यहां पे पेमेंट हो जाएगी बेनिफिशियरी की, लेकिन स्टैंड बाई के अंदर एकदम उल्टा होता है। स्टैंड बाई के अंदर पेमेंट खाली काम करने के बाद नहीं होती है, इसमें अगर मान लीजिए ब्रीच होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, तब इस स्टैंड बाई एलसी को खोला जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो अपना प्रोजेक्ट नहीं दे डिलीवर कर पाती है टाइम पे, तो स्टैंड बाई एलसी उससे लिया जाता है, और अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं करती है तो उस केस के अंदर स्टैंड बाई एलसी खोल दिया जाता है। तो एक तरीके से ये बैंक गारंटी की तरह काम करता है। यहां पे
जब कंडीशंस को मीट नहीं किया जाएगा या ब्रीच होगा कंडीशन का, तभी ये सेलसी को खोला जाता है। अदरवाइज नॉर्मल केस में एप्लीकेंट पेमेंट करेगा इसको, या फिर जो भी उसको डिलीवरी करनी है अपने कॉन्ट्रैक्ट की वो करेगा, राइट। तो ये बेसिकली एक तरीके का बैकअप फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है। अगर किसी ने डिलीवर नहीं किया कंपनी ने अपना जो भी उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, तो ही इस एलसी को खोला जाता है। और स्टैंड बाई एलसी के लिए इंटरनेशनल स्टैंड बाई प्रैक्टिसेस अलग से गाइडलाइंस दी गई हैं, ये आईसीसी ने इनके लिए भी अलग से गाइडलाइंस दी हुई हैं। फिर और कौन से होते हैं, एक होता है रिवोकेबल एलसी। रिवोकेबल एलसी का मतलब है कि जो इशूइंग बैंक है यहां पे, ये एलसी की कंडीशंस को चेंज कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है या फिर कैंसिल भी कर सकता है इसको, राइट। और इसको बिना बताइए बेनिफिशियरी को, बिना बताए भी ये कर सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड नहीं होता, उसको गारंटी नहीं है कि भाई उसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसको यूसीबी भी एंडोर्स नहीं करता है। तो ये इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की जो गाइडलाइंस हैं, इसके अंदर रिवोकेबल एलसी का कोई जिक्र नहीं है, तो इसको ज्यादा यूज भी नहीं किया जाता है, क्योंकि बेनिफिशियरी या सेलर का इंटरेस्ट इसके अंदर प्रोटेक्ट नहीं होता है। इसीलिए इररिवोकेबल एलसी ही हमेशा यूज होते हैं ज्यादातर। और इररिवोकेबल एलसी क्या है कि इनकी, इसको ना ही चेंज किया जा सकता है ना कैंसिल किया जाता है, जब तक सारी की सारी क्रेडिट पार्टीज का सहमति ना हो, अग्रीमेंट ना हो। तो ओपनिंग बैंक का भी अग्रीमेंट होना चाहिए, एडवाइजिंग बैंक का भी अग्रीमेंट होना चाहिए तब तक, और साथ में बेनिफिशियरी और बायर का तो अग्रीमेंट होना ही चाहिए, राइट। तो जितने भी एलसी के अंदर क्रेडिट पार्टीज हैं, सबके अग्रीमेंट के हिसाब से ही इररिवोकेबल एलसी चेंज हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं चेंज हो सकता है। तो यूसीपी की गाइडलाइंस के हिसाब से सारे के सारे एलसीज इररिवोकेबल ही होते हैं, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बिटवीन पार्टीज। अगर रिटर्न में उन्होंने अग्री नहीं किया है कि ये इररिवोकेबल नहीं है, तो वो इररिवोकेबल ही माना जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हो गए आपके रिवोकेबल और इररिवोकेबल एलसी। आगे बढ़ते हैं, एक होता है आपका अनकन्फर्म्ड एलसी। तो ये जो हमने बात करी थी ये पूरे प्रोसेस के अंदर, वो अनकन्फर्म्ड एलसी की ही बात करी थी हमने। तो इसके अंदर जो गारंटी थी वो पूरी की पूरी इशूइंग बैंक की थी, राइट। तो इशूइंग बैंक ने इसमें सारी गारंटी ली थी कि एलसी में मान लीजिए अगर बायर डिफॉल्ट भी करता है तो इशूइंग बैंक पूरी की पूरी पेमेंट करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि इशूइंग बैंक की क्रेडिट रेटिंग काफी कम होती है, हो सकता है ये इशूइंग बैंक एक छोटा बैंक हो, तो इस पे हो सकता है बेनिफिशियरी को या सेलर को भरोसा ना हो, तो वो कहे कि आप एक बड़े बैंक से जिसकी अच्छी क्रेडिट रेटिंग है उसकी गारंटी भी लेके आई है। तो कंफर्म्ड एलसी उसको हम कहते हैं जहां पे गारंटी एक सेकंड बैंक की भी दी जाती है। एक बड़ा बैंक अपनी गारंटी देता है कि अगर इशूइंग बैंक भी पेमेंट नहीं कर पाया और बायर ने भी डिफॉल्ट कर दिया, तो मैं आपकी पेमेंट करूंगा। इसके लिए हम कंफर्म्ड एलसी लेते हैं, और ये जनरली तब लिया जाता है जब किसी इशूइंग बैंक की क्रेडिट रेटिंग थोड़ी कम होती है या वो कोई थोड़ा छोटा बैंक होता है जिसपे सेलर को भरोसा नहीं है। तो इररिवोकेबल एलसीज को ही खाली कंफर्म किया जा सकता है। ये जो कंफर्मिंग बैंक होता है ये रिवोकेबल एलसी की कोई गारंटी नहीं लेगा, इररिवोकेबल एलसीज को ही खाली कंफर्म किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफरेबल एलसी के अंदर सेलर जो है ये किसी दूसरी पार्टी को अपना राइट ट्रांसफर कर सकता है। ये जो एलसी है या तो इसका पोर्शन या पूरा का पूरा एलसी किसी दूसरी पार्टी को असाइन कर सकता है अपना राइट। तो अब हो सकता है ये मान लीजिए ये जो बेनिफिशियरी है ये हो सकता है एक बड़ी कंपनी का पार्ट हो, राइट। तो ये जो एलसी है ये हो सकता है अपनी होल्डिंग कंपनी को असाइन कर दे इसके राइट्स। तो इस तरीके के एलसी को हम ट्रांसफरेबल एलसी कहते हैं। ये जनरली तब यूज होता है या तो सेलर सोल मैन्युफैक्चरर ना हो, हो सकता है वो थोड़े से पार्ट्स कहीं और दूसरे मैन्युफैक्चरर से भी ले रहा हो, तो उस केस में वो अपना पोर्शन जो है एलसी का उसका जो राइट होगा वो किसी दूसरी कंपनी के साथ भी शेयर करेगा। और या फिर मैंने ये जो केस डिस्कस किया आपके साथ कि सब्सिडियरी कंपनी हो सकती है, ये जो सेलर है ये एक सब्सिडियरी कंपनी हो सकती है, तो ये होल्डिंग कंपनी को एलसी का राइट असाइन कर सकता है। तो ये होता है आपका ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं, फिर होता है आपका बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। अब बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये एक बायर है, ये सेलर है, यहां पे लेट से इन्होंने इस तरीके से एलसी से पेमेंट करी, ये बायर का बैंक था और इसके बाद ये एडवाइजिंग बैंक सेलर का बैंक था, एलसी यहां पे पहुंचा और उसके बाद सेलर को यहां पे एलसी पहुंच गया। ये एक नॉर्मल सा ट्रेड है, राइट। इसके अंदर मान लीजिए अब ये जो सेलर है ये एक एक्सपोर्ट हाउस है या लेट से ये एक ट्रेडर है, ये खुद एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो हो सकता है ये खाली आपसे ट्रेडिंग कर रहा है। अब इस केस के अंदर इसको पेमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हो सकता है इसके पास इमीडिएटली गुड्स ना हो,
तो ये क्या करेगा, ये अपने सेलर के बैंक के पास जाएगा और ये कहेगा कि मैंने एक्चुअली ये सामान जो है ये किसी दूसरे सप्लायर से ले रहा हूं, ये एक थर्ड पार्टी है, राइट। इसके अंदर अब एक, दो और तीन पार्टी हो गई जो ट्रेड कर रही हैं और तीन बैंक्स हो गए, तो इसके अंदर छह पार्टीज हो जाती हैं टोटल मिला के। तो अब ये कहेगा कि मैंने ये जो गुड्स हैं ये सप्लायर किसी दूसरे सप्लायर से लिए हैं, तो आप मेरे को एक बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दीजिए। ये जो मेरा करंट लेटर ऑफ क्रेडिट है इसको आप एज कोलैटरल रख लीजिए अपने पास, और आप इसको कोलैटरल को रख के एक दूसरा बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दीजिए मुझको। तो यहां पे मैं BTB लिख देता हूं बैक टू बैक के लिए। तो ये जो सेलर का बैंक होगा, जिसे हम एडवाइजिंग बैंक कह सकते हैं या फिर नेगोशिएटिंग बैंक कह सकते हैं, ये एक बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट असाइन करेगा और ये सप्लायर के बैंक को भेजेगा, और ये जो बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट है ये फिर फाइनली सप्लायर के पास चला जाएगा। तो यहां पे जो बैक टू बैक, अब इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए एक्सपोर्टर ने ये जो सामान बेचा है ये लेट से 100,000 डॉलर्स के लिए बेचा है, राइट। अब हो सकता है इसको 70,000 डॉलर के अंदर यहां से सप्लायर से माल मिल रहा है, तो 30,000 का इसको सीधे सीधे प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो ये कहेगा कि मेरे को 100,000 डॉलर्स का तो यहां लेटर ऑफ क्रेडिट मिला ही हुआ है, तो ये कहेगा कि आप मेरे को यहां पे 70,000 का बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दीजिए। तो इस तरीके से ये BTB आपका काम करता है। ये जनरली तब यूज होता है जब कोई यहां पे एक्सपोर्टर जो है वो या तो ट्रेडर हो या फिर कोई एक्सपोर्ट हाउस हो जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। तो इस केस में सेलर जो है वो बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट सप्लायर को इशू कर देता है, और ये जो एडवाइजिंग बैंक है या फिर नेगोशिएटिंग बैंक है यहां पे, ये बेसिकली बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट को कोलेटरल रख के देता है। तो जैसा मैंने आपसे पहले बात कर ली है यहां पे कि ये जो ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट है इसको एज कोलेटरल रखेगा ये। अगर बाई चांस मान लीजिए पेमेंट नहीं हो पाती है किसी वजह से, तो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इससे अपनी रिकवरी कर लेगा ये सेलर्स का बैंक। फिर अमाउंट ऑफ बैक टू बैक क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट विल बी लोअर देन ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट एंड द डिफरेंस इज ट्रेडर्स प्रॉफिट। तो जैसा हमने यहां देखा ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये बेसिकली 100,000 डॉलर्स का होगा, राइट, और ये वाला जो बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट है ये 70,000 डॉलर का होगा, क्योंकि यहां पे हमने देख ही लिया है कि ये जो सप्लायर है ये इसको 70,000 डॉलर में दे रहा है सामान, राइट, और ये फर्दर 100,000 डॉलर में इस फाइनल बायर को बेच रहा है, तो ये जो बाकी का 30,000 है ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है आपका रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। रेड क्लॉज में क्या होता है, ये बेसिकली एडवांस पेमेंट के लिए यूज होता है। अब बाई चांस लेट से बायर इस तरीके से LC देगा इशुइंग बैंक को, फिर फर्दर नॉमिनेटेड बैंक को जाएगा, और यहां पे ये नॉर्मल LC जा रहा है, राइट। लेकिन अब इमीडिएटली पेमेंट नहीं हो रही है इस LC के हिसाब से सेलर को। सेलर कहता है कि मेरे को एडवांस पेमेंट चाहिए क्योंकि उसके पास इमीडिएटली गुड्स नहीं है। अब उन गुड्स के लिए लेट से उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पैकिंग के लिए, डिस्पैचिंग के लिए या शिपमेंट के लिए उसको कुछ पैसा चाहिए, तो वो कहता है आप मेरे को एडवांस पेमेंट के लिए भी एक LC दे दीजिए जिससे मेरा थोड़ा सा इनिशियल पेमेंट मिल जाए मेरे को। तो यहां पे इशुइंग बैंक कहता है अपने नॉमिनेटेड बैंक को कि आप इसको एडवांस पेमेंट दे दीजिए, रिस्क मेरा है। तो यहां पे रेड इंक के अंदर इसको लिखा जाता है इस क्लॉज को एडवांस देने के लिए। तो नॉमिनेटेड बैंक एक यहां पे एडवांस दे देता है, तो इसको हम यहां कहते हैं रेड क्लॉज LC। तो यहां से उसको पेमेंट मिल जाती है, और ये जनरली तब दी जाती है जब सेलर जो है एक रिसीट देता है और एक रिटर्न अंडरटेकिंग देता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करेगा, कि वो जब शिप कर देगा यहां पे, तो ये जो शिपमेंट वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे इनको वो डिलीवर करेगा, और इन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट ही नॉमिनेटेड बैंक को अपना पैसा मिलेगा, राइट। और नॉमिनेटेड बैंक को तो पैसा मिलना ही है क्योंकि ये जो रिस्क लिया है ये इशुइंग बैंक ने यहां पे रिस्क लिया है, तो इसको हम अनसिक्योर्ड क्रेडिट भी बोलते हैं। ये जो क्रेडिट रिस्क है ये इशुइंग बैंक का है, और यहां पे क्योंकि अब बायर जो है वो किसी तरीके की कोलैटरल नहीं दे रहा है, यहां पे एक्स्ट्रा कोलैटरल नहीं दे रहा है, तो ये जो रिस्क है ये इशुइंग बैंक ले रहा है। तो ये जो एडवांस पेमेंट होगी इसको बाद में एडजस्ट कर लिया जाता है, ये जो फाइनल LC खुलेगा इसकी पेमेंट में से एडजस्ट कर लिया जाएगा, सेलर की पेमेंट एडजस्ट कर लेगा नॉमिनेटेड बैंक। तो इस तरीके से रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट काम करता है। फिर इसी तरीके का सिमिलर एक और होता है ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके अंदर भी एडवांस पेमेंट ही की जाती है, और ये जनरली प्री शिपमेंट फाइनेंस को तो करती ही है एडवांस पेमेंट, साथ में स्टोरेज एक्सपोर्ट टर्मिनल पे जो स्टोरेज होती है उसके लिए भी एडवांस दिया जाता है। तो यहां पे भी सिमिलरली जैसे ये एक LC है, ये नॉर्मल जो LC है ये तो है ही, राइट, इसके अलावा एक ग्रीन क्लॉज LC दे दिया जाता है।
तो ये कोई एक अलग से एलसी नहीं इशू हो रहा है, इनफैक्ट ये इसी एलसी के अंदर एक एक्स्ट्रा क्लॉज ऐड हो जाता है। तो इसके अंदर ग्रीन इंक से लिखा जाता है और वहां पे ये जनरली एक्सपोर्ट ऑफ कॉमोडिटीज के लिए यूज होता है जनरली। तो यहां पे जैसे कॉमोडिटीज को एक्सपोर्ट करना है, मान लीजिए कोई आयरन ओर है या कोल है या कोई व्हीट है, ग्रेन्स है, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए पहले एक्सपोर्ट टर्मिनल पे स्टोर किया जाता है। तो सेलर कहता है कि आप मेरे को थोड़ी सी एडवांस पेमेंट कर दीजिए, तो यहां पे एडवांस पेमेंट स्टोरेज तक की हो जाती है। तो इसके अंदर ये बेसिकली एक तरीके का सिक्योर्ड क्रेडिट होता है। इसके अंदर रिसीट और रिटर्न अंडरटेकिंग के साथ साथ जो वेयर हाउस में जो रसीद मिलेगी इसको सेलर को, वो भी सबमिट करनी होती है सेलर को, उसके बाद ही ये एडवांस मिलता है। तो ये एक तरीके का सिक्योर्ड क्रेडिट है क्योंकि गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं और उसकी रसीद भी यहां पे नॉमिनेटेड बैंक को मिल गई है। तो एडवांस जो है यहां पे भी एडजस्ट हो जाता है, जो फाइनल पेमेंट होगी एलसी के हिसाब से तो नॉमिनेटेड बैंक उसको एडजस्ट कर लेगा जो एडवांस पेमेंट होगी ग्रीन क्लॉज एलसी के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा ग्रीन क्लॉज एलसी। फिर एक होता है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके अंदर मान लीजिए कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है, काफी रेगुलरली हो रही है, तो ऐसे केस में रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट यूज होता है जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिमिलर टाइप की ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। तो इस केस के अंदर सेम ही लेटर ऑफ क्रेडिट को बार बार हर ट्रांजैक्शन में अलग एलसी इशू करने की जरूरत नहीं है, एक ही एलसी से मल्टीपल पेमेंट्स होती जाती हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए $100,000 का कोल एक्सपोर्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से लेके और इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहा है और ये 12 महीने तक होगा, राइट। तो ये लेट से यहां पे ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट हो रहा है और ये लेट से $100,000 का हर महीने हो रहा है, राइट, 100,000 पर मंथ फॉर 12 months, राइट। तो यहां पे 12 एलसी खोलने की जरूरत नहीं है, यहां पे एक एलसी खुल जाएगा जो एक रिवॉल्विंग एलसी होगा और उसके हिसाब से हर महीने $100,000 की पेमेंट होती रहेगी। तो रिवॉल्विंग एलसी के हिसाब से $100,000 की 12 महीने तक हर महीने पेमेंट हो जाएगी, अलग अलग एलसी बनाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर होता है हमारा एक साइट लेटर ऑफ क्रेडिट। साइट लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि जब एलसी डिमांड करता है पेमेंट की, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, तो जैसे ही यहां पे लेट से इसने शिप कर दिए अपने जो गुड्स हैं वो तो शिप कर दिए और यहां पे डॉक्यूमेंट्स इसने नॉमिनेटेड बैंक को सबमिट कर दिए, तो ये कहेगा कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं और अब क्योंकि ये साइट लेटर ऑफ क्रेडिट है, आप मेरी पेमेंट इमीडिएटली कीजिए। तो इस केस के अंदर ये जो नॉमिनेटेड बैंक है ये डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और इमीडिएटली यहां पे पेमेंट कर देगा। तो इस केस के अंदर जनरली नॉमिनेटेड बैंक 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है, इसके अंदर पेमेंट काफी फास्ट होती है, तो ये सेलर के लिए काफी अच्छा रहता है। फिर एक होता है डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके अंदर पेमेंट इमीडिएटली नहीं होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम निश्चित किया जाता है कि लेट से एग्जाम्पल के तौर पर कि शिपमेंट डेट के 30 दिन के बाद पेमेंट होगी। तो ये जैसे शिपमेंट हो गई तो इसके 30 डेज के बाद पेमेंट होगी। तो इस केस में कई बार ये जनरली बेसिकली बायर के हिसाब से ठीक रहता है डेफर्ड पेमेंट क्लॉज। इसमें मान लीजिए गुड्स ऑलरेडी मिल गए हैं इसको 25 दिन के बाद, तो वो सारे के सारे गुड्स को चेक भी कर सकता है, उसके बाद ही वो पेमेंट करेगा। तो अगर सेलर ने मान लीजिए कोई डिफेक्टिव आइटम्स भेज दिए तो बायर उसके लिए क्लेम कर सकता है सेलर से। तो ये बेसिकली डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये थोड़ा सा बायर्स के फेवर में होता है। तो आई थिंक मैंने ब्रॉडली सारे टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट कवर कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट और ज़्यादा डिटेल में कवर करूं तो आप मुझे बताइए, बट मेरे को लगता है कि मैंने सारा कंसेप्चुअली सारे के सारे अच्छी तरह कवर कर ही लिए हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर रोज फाइनेंस के इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।